नमस्कार दोस्तों, श्री साई मूर्ति आर्ट चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं पंडित जितेंद्र शर्मा। दोस्तों आज आपके लिए लेके आया हूं 15 इंच हाइट में वियतनाम मार्बल से बनी हुई कृष्ण जी की बहुत ही सुंदर और अद्भुत प्रतिमा। आप देख सकते हैं सुंदर दोस्तों, कितनी ही मनमोहक, कितना ही अच्छा डिजाइन के साथ में जो कान्हा जी के जो बॉडी एनाटॉमी है वो आप देख सकते हैं, कितना ही मनमुग्ध कर देने वाला एक उत्तम मूर्ति श्री साई मूर्ति आर्ट के माध्यम से बेस्ट कारीगरों द्वारा बनाई गई है। दोस्तों आप देख सकते हैं मार्बल की प्योर क्वालिटी, किसी प्रकार का कोई भी स्पॉट नहीं है। दोस्तों एकदम सुंदर मूर्ति बनाई है श्री साई मूर्ति आर्ट के माध्यम से। अभी इनका पेंट होने से पहले एक वीडियो मैं आपके पास में साझा करने चाह रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि मार्बल की प्योर क्वालिटी आपके सामने पता हो। आप देख सकते हैं किसी प्रकार का भी स्पॉट वगैरह नहीं है दोस्तों, तिलवर का दाग वगैरह कुछ भी नहीं है। पूरी मूर्ति एकदम दूध की तरह सफ़ेद है, प्योर वाइट। फिनिशिंग जो है दोस्तों वो हाथों से दी गई है, बिल्कुल मिनरल पॉलिश है, किसी भी मशीन का उपयोग नहीं किया गया है और इसकी चमक कभी ख़राब नहीं होगी ना उड़ेगी, क्योंकि ये हाथों से दी गई पॉलिश है। और हाथों की उंगलियाँ भी आप देख सकते हैं दोस्तों वीडियो के माध्यम से, कितनी ही बारीक तरीके से वीडियो मैं आपको दिखाई जा रही है। जो आपके सामने समक्ष मूर्ति होगी तो आपको एक अद्भुत ही सौंदर्य का अनुभव होगा। आप देख सकते हैं बॉडी एनाटॉमी, एक एक उंगलियां ठाकुर जी की बड़ी बारीकी से श्री साई मूर्ति आर्ट के माध्यम से बनाई गई है। दोस्तों यह जो आप देख रहे होंगे सपोर्ट, यह पेंटिंग होने के बाद में कटिंग हो जाता है। पेंटिंग से पहले बहुत सारा कार्य इन लोग मूर्तियों में करना पड़ता है, इसीलिए सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। पेंटिंग होने के बाद सिर्फ ठाकुर जी को रवाना करना होता है सभी भक्तों घर पे मंदिरों में। आप पीछे के भी साइड देख सकते हैं किसी प्रकार का भी स्पॉट वगैरह दोस्तों नहीं है, कोई भी दाग धब्बा कुछ भी नहीं है। दोस्तों चोटी बनाई गई है पीछे को और चेहरा आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर, कितना ही मनमोहक कार्विंग से बनाया गया। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, पूरा डिटेल समझ में आ रही होगी। दोस्तों एक बात और मैं आपको बोल देना चाह रहा हूँ, सस्ता कभी श्रेष्ठ नहीं होता और श्रेष्ठ कभी सस्ता नहीं होता। तो दोस्तों जानने वाली बात है, महत्वपूर्ण बात है, यह वियतनाम मार्बल की आ रहा हूं। आप देख सकते हैं राधा रानी का एक उत्तम कार्विंग से बनाई हुई बहुत ही सुंदर मूर्ति, जिनकी बॉडी एनाटॉमी देखने लायक है। दोस्तों आपको किसी भी चैनल पर बॉडी एनाटॉमी नहीं मिल पाएगी। आप देख सकते हैं इनका खड़े रहने का जो तरीका है वो एक अलग ही सौंदर्य दिखाता है ठाकुर जी के साथ। आप देख सकते हैं देखने लायक है दोस्तों, आपको किसी भी चैनल पर बॉडी एनाटॉमी नहीं मिल पाएगी। आप देख सकते हैं इनका खड़े रहने का जो तरीका है वो एक अलग ही सौंदर्य दिखाता है ठाकुर जी के साथ। आप देख सकते हैं नाभि, देख सकते हैं जो शेप है बॉडी वगैरह की, आशीर्वाद आप देख सकते हैं, एक एक उंगलियां बड़ी बारीकी से देख सकते हैं, फेस देख सकते हैं, कान देख सकते हैं, ये हाथों की उंगलियां देख सकते हैं। वियतनाम मार्बल, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि वियतनाम मार्बल कच्चा होता है। दोस्तों यदि कच्चा होता तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा देना चाह रहा हूं कि एक एक उंगलियां मशीन से छैनी हथौड़े से बनाई हुई है। यदि यह मार्बल कच्चा होता तो उंगलियां एक एक हदर नहीं हो पाती, एक एक उंगलियां शेप में अच्छी तरह से नहीं आ पाती। कारीगर भी डरता, हम लोग भी डरते बनाने में, क्योंकि पत्थर इतना महंगा आता है, क्या फायदा, फायदा क्या यदि बनाने समय यदि मूर्ति खंडित हो जाती है तो पत्थर से लेकर के पूरी मेहनत तक खराब हो जाता है, सिस्टम ही पूरा खराब हो जाता है। पैरों की उंगलियां आप देख सकते हैं बड़ी बारीकी से बनाई गई है। जो बॉडी शेप है वो दोस्तों किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिल पाएगी, एक अलग ही शेप हमने अपने दिमाग से पूरा स्केल बना करके राधा रानी को किस तरह से निखारा जाए, किस तरह से भक्तों के सामने इनको रखा जाए, जिससे कि मूर्ति का सौंदर्य देखने लायक बने और जो भी भक्त इनको देखें वो भी मनमुग्ध हों, उनकी भी पूजा पाठ में एक भक्ति जागृत हो। क्योंकि मूर्ति सुंदर होती है तभी पूजा पाठ करने का आनंद कुछ अलग ही होता है। मूर्ति के सामने से नजरें नहीं हटे वही एक सुंदर मूर्ति होती है। दोस्तों श्रेष्ठ कभी सस्ता नहीं होता, सस्ता कभी श्रेष्ठ नहीं होता। दोस्तों आपको बता देना चाह रहा हूं, जैसी क्वालिटी है उसी हिसाब का दाम है दोस्तों मूर्ति का। मेरे तो ये भ्रम में कभी नहीं पड़ना,
कि हम लोगों का दाम ऊंचा होता है। हम लोगों का दाम इसलिए ऊंचा होता है क्योंकि हमारी क्वालिटी औरों से अलग होती है। हम हर चीज में अलग से अलग चीजें लाते रहते हैं क्योंकि हम लोगों को एक अच्छा चीजें दिखाने का मन होता है। लोगों को एक से एक चीजें बनाने का एक मन होता है। यदि आप भी अपने सामने यदि किसी प्रकार की मूर्ति हो, किसी प्रकार का भी शेप हो, तो श्री साई मूर्ति आर्ट के माध्यम से एक एक बारीकी से कार्य करवा सकते हैं। दोस्तों इसमें भी आप वियतनाम मार्बल का यूज किया गया है, किसी प्रकार का भी स्पॉट नहीं है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अद्भुत मूर्तियां देखने के लिए। दोस्तों मिलते हैं फिर एक अगली